इमरान ये बताओ कि मुझे पता है आपको हेजिटेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप इतने सारे स्टार्स के साथ खेल चुके हैं, एनसीए भी कर चुके हैं, सारे ट्रेनिंग कैंप्स भी कर चुके हैं, मगर एक नया ये एक्सपीरियंस है ना आपके लिए, तो इसके लिए क्या एक्साइटेड हैं आप प्लेयर्स को, ड्रेसिंग रूम को, ग्राउंड को कैसे हैंडल करेंगे? बिल्कुल एक्साइटेड तो हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम शेयर करना है, हमारी एक्सपीरियंस की बात, कॉन्फिडेंस आता है इससे, जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा और कोशिश करेंगे उनसे जितना हो सके उनकी नॉलेज लें, उनसे सीखें हम, तो हमारे बहुत अच्छा। तो ये थोड़ा सा हमारे बीच में मोहम्मद आजम आए थे, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, माशाल्लाह भी अभी भी कंटिन्यू किया। अच्छा हनीफ, आपके लिए शायद थोड़ा सा नर्वस कोई पॉइंट तो नहीं है कि अगर आप मतलब ऐसा कोई लगे कि हाँ यार कहीं पे भी थोड़ा सा आपको डाउन फील करेंगे, तो क्या आपके पास ऐसी वो मेंटोर या ऐसी क्या चीज़ें जो अपने आपको वापस ले आएंगे? देखें, इसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, अच्छी लीग है, बड़ी लीग है, पाकिस्तान की दूसरे नंबर की लीग है, तो इसमें ये अच्छी फ्रेंचाइज, बड़े होते हैं सब प्लेयर्स, बड़े होते हैं, क्रिकेट सेम होती है, सिर्फ माहौल चेंज होता है थोड़ा, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए और वो खेलने से ही आता है। जब इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग इनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा ताकि ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो और जो इन्होंने गोल बनाए हुए हैं अल्लाह पाक इनको उस गोल में कामयाब करे। एक बात कहना चाहूँगा कि ये भी मेरे कोच है, सो हैं, मैंने भी उनसे बहुत सीख है, स्टार्ट ही मैंने इनके साथ करी थी नेशनल बैंक क्रिकेट अकेडमी से, तो इन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत गाइडेंस दी, तो इनका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। नहीं, ये तो आपका प्यार है। अच्छा, ये मेरे यूट्यूब चैनल हनीफुर रहमान ब्लॉग के कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? ये बोलो बस, यही इनके चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, सेम है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।